हेलो बच्चों, पिछला वीडियो है ना, और किसी कारण में बीच में रुक गया था, कोई कॉल बीच में आ गई थी इस वजह से, और वो जो है ना वीडियो रुक गया था बीच में, तो उसको अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में अपने ये कर रहे थे, हम थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे थे, और उसमें 10x की वैल्यू ये दे रखी है हमें, और हम 10x बाई 2 की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना। तो 10x बाई 2 की वैल्यू हमने पिछली वीडियो में निकाल दी होगी, मैंने आपको वो दिखाता हूँ पिछला पेज। ठीक है, ये वाला पेज था, पेज नंबर 79 कर रहे थे हम, और इसमें हमने देखो यहाँ तक वैल्यू निकाल देते, 10x की वैल्यू x बाई 2 की वैल्यू 1/3 और 8/3 माइनस था, दो वैल्यू आई थी। हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, इसके लिए देखो हमें 10x की वैल्यू ये दो आ गई थी, अब हमें ये भी दे रखा है कि x की जो वैल्यू है पाई से बड़ा है, 3π बटे छोटा है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखो x की वैल्यू क्या है, पाई से बड़ी और 3π बटे छोटी, ये दे रखी हमें वैल्यू। यह एंगल क्या है, x बाई 2 है, तो x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी वो देख लो आप। तो इसको x बाई 2 बना लो ना, तो क्या करोगे, सबको 2 से कर दो डिवाइड, या तो पाई बाई 2 या तो x बाई 2, यहाँ क्या होगा 2 करेंगे तो क्या हो, पाई बाई 4 हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगी, पाई बाई 2 और 3π बाई 4 के बराबर होगी, पाई बाई 2 और 3π बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो एंगल है वो इसके बीच में लाई करेगा, और इसके बीच में लाई करेगा, इसमें क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, सेकेंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस वन ले लेंगे, प्लस छोड़ देंगे, ये आएगी 10x की वैल्यू, क्या आगे 10x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, -8/3। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, ये आ गया 10x बाई 2, थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसने -3 दे रखा है, तो गलती करती होगी हमने, चेक करते हैं, चेक कर लो बेटा, मैंने शायद गलती कर दोगी। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, 10x दे रखा था, फिर से देख लो, 10x दे रखा 3/4, क्या करना, साइन एक्स बाई 2 निकालना है, कोस एक्स बाई 2 निकालना है, और 10x बाई 2 निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 10x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 10x बाई 2 अपॉन, ठीक है बिल्कुल ये फॉर्मूला सही है, क्या रखें, 3/4 कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 8 10x बाई 2, इसको दे लेंगे पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लगाओ फार्मूला माइनस ए, अब लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, b² - 4 इंटू ए इंटू सी, तो क्या होगा, 12 36 + 36 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये, और यहाँ तक बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, ये कितना होगा यहाँ पे, माइनस का 2/3, हाँ ये देखो यहाँ क्या होगा, 2/3 1/3 हो जाएगा, ठीक है 2/6 1/3 हो जाएगा, -8/3। ठीक है, तो 10x बाई 2 की वैल्यू ये दो आ गई, है ना, थर्ड का सेकंड पार्ट, -3 आंसर दे रखा है इसमें, चेक करो फिर से। ठीक है, अब हमें इनमें से चेक करना है कौन सी वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, देखो बेटा हमने यहाँ पे भी गलती कर दी, ये -18 आएगा यहाँ पे, 18/6 आएगा ये। ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ, -3 आएगा यहाँ पे, क्या होगा, -3। ठीक है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, क्या होगा, -18/6 -3 आएगा। अब इनमें से हमें फाइंड आउट करना कौन से लेंगे वैल्यू, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि नेगेटिव वाले वैल्यू लेंगे, तो यहाँ क्या हो गया, -3 आ गया यहाँ पे, क्या आएगा, -3, तो क्या होगा आंसर, -3 ले लेंगे। ठीक है, 8/3 की जगह -3 आएगा, तो 10x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, -3। ठीक है, ऐसा करते हैं, तो इसमें देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, एक छोटी सी गलती जो है ना पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है, तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से देखा। तो अब तो ये आ गया 10x बाई 2, आगे देखो हमें ये रखा था 10x के लिए रखी है, और हमने 10x बाई 2 निकाल लिया, कितना 10x बाई 2 के लिए कितनी है, -3, ये निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, 10 से साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 निकालना है, 10x बाई 2 से हम सेकेंड एक्स बाई 2 निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan² θ होता है, नहीं होता, तो 10x बाई 2 जगह रखेंगे -3 कर लो, तो क्या होगा, 9 + 1 क्या होगा, 10 आ जाएगा, जगह सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सेकेंड एक्स बाई 2 क्या होगा, +√10 और टेकिंग स्क्वायर रूट। अब चेक करो ये क्या होगा, नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो एक्स बाई 2 किस में था, इसके अंदर लाई करता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड में सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का ले लेंगे, लो सेकेंड एक्स बाई 2 ये आ गया, तो सेकेंड एक्स बाई 2 का उल्टा क्या होता है,
कोस एक्स बाई टू, तो कोस एक्स बाई टू को लेके आओगे माइनस वन बाई रूट टेन, ठीक है, या अगर कोस एक्स बाई टू। अब साइन एक्स बाई टू निकाल लें तो लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया, बताओ, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, साइन एक्स बाई टू के लिए क्या हो गया, रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और कोस एक्स बाई टू की जगह क्या लिखेंगे, चलो कर दो सिंप्लीफाई, नाइन बाई टेन है देगा, और ये होगा प्लस माइनस थ्री बाई रूट टेन, दोनों का रूट ले लिया। नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे बताओ, एक्स बाई टू यहाँ था सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव लेंगे, ये आ गया साइन एक्स बाई टू, ये आ गया कोस एक्स बाई टू, और ये आ गया टेन एक्स बाई टू, ऐसे कर लें सिंपल, ठीक है। थर्ड का थर्ड देखो, बहुत आसान सवाल है सर, मेरे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस फॉर्मूलों को आपको, ठीक है, जिस बच्चों को सेकंड पार्ट नहीं आया घबराने की जरूरत नहीं, अब थर्ड पार्ट से कर लोगे, ठीक है। देखो कोस एक्स दे रखा हमें माइनस का वन बाई थ्री, कोस एक्स के लिए दे रखी है, और क्या दे रखा, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पिछली बार भी गलती हो गई थी, इस बार थोड़ा ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करेंगे हम, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस एक्स दे रखा है और एक्स कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या करना है हमें, साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू निकालना है, ठीक है। कोस दे देना तो कोस एक्स के लिए दे रखे तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोस के सारे फॉर्मूले बनते हैं, कोस का फॉर्मूला कोस में भी होता है, कोस का फॉर्मूला साइन में भी होता है, कोस का फॉर्मूला टेन में भी होता है, तो इसका क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, साइन एक्स बाई टू चाहिए, तो आपको पता होगा मैंने ये लिखवा रहा है, कोस टू ए क्या होता है, वन माइनस टू साइन करे, याद है, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, होता है, नहीं होता बताओ, ये तीन फॉर्म होते हैं कोस टू ए के, ऐसे चार होते हैं लेकिन मैंने एक छोड़ दिया, ये वाला फॉर्मूला साइन में, इसका ये फॉर्मूला कोस में, और इसका ये फॉर्मूला टेन में, और जो यहाँ एंगल है उन सब का हाफ एंगल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, इट मीन्स हमें ये तीनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, वहाँ से साइन एक्स बाई टू कोस एक्स टू सब चीज़ें देंगे, तो पहले क्या चाहिए मुझे, साइन एक्स बाई टू चाहिए, तो कोस का वो लगाएंगे फॉर्मूला जो साइन में है, कोस टू ए क्या होता है ये रहा, पहले ये लगाओ, तो कोस टू ए का तो फॉर्मूला ये बन गया, यहाँ टू ए तो यहाँ ए है, तो कोस एक्स का क्या बनेगा फॉर्मूला, ये लो इस एंगल का हाफ, कोस टू ए क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए है, इसका हाफ कर दिया, तो कोस एक्स का क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर और इस एंगल का हाफ, ठीक है, यहाँ से निकाल दो साइन एक्स बाई टू, तो वन प्लस ये लो, इधर इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, लो तो कितना होगा, फोर बाई थ्री इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू बाई थ्री कर दिया, तो साइन एक्स बाई टू के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो प्लस माइनस टू बाई थ्री का रूट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो आंसर आए, कौन से आए, दो आंसर, कौन से लेंगे, नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ये और चेक करना है। तो देखो एक्स किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ लिखना, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ से होता है, पाई से बड़ा होता है और थ्री पाई बाई टू से छोटा होता है, बोला होता है, नहीं होता, तो मैंने ये देख लिया, यहाँ एंगल क्या एक्स बाई टू है, तो इसको एक्स बाई टू बनाओ, तो एक्स बाई टू क्या होगा, यहाँ पे डिवाइडिंग बाई टू बोथ साइड्स, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, पाई बाई टू से पाई बाई टू और थ्री पाई बाई फोर यहाँ होता है, एक सौ पैंतीस डिग्री, इसके बीच में एक्स बाई टू, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है ना, यहाँ पाई है, तो पाई बाई टू पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो साइन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, प्लस रूट टू अपॉन थ्री, यहाँ, ठीक है, साइन एक्स बाई टू आ गया। अब देखो कोस एक्स बाई टू निकालने निकाले, तो कोस एक्स के लिए कितनी, यहाँ पे ये दे रखा था, इसी को मैंने लिया, पहले ये लगाया था साइन एक्स बाई टू था तो ये आया, अब क्या करें, कोस एक्स बाई टू निकालने के लिए ये लगाओ फॉर्मूला, तो कोस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, टू ए का हाफ, तो यहाँ पे क्या है, कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, टू कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ एक्स बाई टू माइनस वन, तो ऐसे कोस एक्स बाई टू आ जाएगा आराम से, कैसे,
टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, इस वन को चलेंगे पॉजिटिव वन हो जाएगा, क्या बताएगा यहाँ पे टू बाई थ्री, टू से टू कर देगा, तो कोस एक्स बाई टू के लिए क्या हो गया यहाँ पे वन बाई रूट थ्री प्लस माइनस वन बाई थ्री, और इसका रूट ले लेंगे ना, क्या है यहाँ से देखो क्या होगा, हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा वन बाई थ्री आएगा, तो कोस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा रूट ले लेंगे, ये वैल्यू होगा, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो ये एंगल इसके बीच में लाई करता है एक्स बाई टू, तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोस क्या होगा नेगेटिव, तो क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव वाले छोड़ देंगे, ये आ गया कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू आ गया, कोस एक्स बाई टू आ गया, अब क्या चाहिए हमें टेन एक्स बाई टू चाहिए, तो टेन एक्स बाई टू क्या होगा कोस एक्स बाई टू अपन साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू अपन कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू तो ये है, कोस एक्स बाई टू ये है, तो क्या बचे यहाँ पे माइनस रूट टू बचेगा, क्या बचेगा माइनस रूट टू बचेगा, ठीक है, तो ये क्या दिस योर टेन एक्स बाई टू, तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना था, ठीक है, तो सिंपल है मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये हो गया आपका पेज नंबर 80, अब आ जाओ 81 नंबर पेज तक, ठीक है, फोर्थ में क्या कहते हैं, कोस एक्स इक्वल टू वन बाई टू इंटू ए प्लस वन बाई ए, ये दे रखा है हमें, क्या करना है हमें कोस टू एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो ये दिया हुआ कोस टू एक्स की वैल्यू प्रूव करने क्या आएगी, तो कोस टू एक्स निकाल लो ना बेटा, कोस एक्स दिया हुआ है कोस टू एक्स निकालना है, तो देखो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बार बार, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं है, ये क्या काम आएगा, अगर कोस टू कोस ए तुम्हें दे रखा है तो कोस टू ए निकाल सकते हो आप, एंगल का डबल, यहाँ पे कोस टू एक्स निकालना है हमें, तो यहाँ क्या होगा इसका फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन होगा कि नहीं होगा, कोस टू ए क्या होता है टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, इस एंगल का हाफ, तो कोस टू एक्स क्या होगा टू कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ माइनस वन, होता ही नहीं होता, वैसे लो टू कोस एक्स की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे वन बाई टू इंटू ए प्लस वन बाई ए और सारे का स्क्वायर है, यानी क्या होगा माइनस वन, कोई दिक्कत, अब खोल दो इसको, इसका स्क्वायर क्या होगा वन बाई फोर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी एल माइनस वन, ठीक है, करो मल्टीप्लाई ये वन बाई टू हो जाएगा, ऐसे होकर काट देंगे, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू और माइनस वन, ठीक है, कर दो इसको, इसको मैं इकट्ठा रखूँगा क्योंकि आंसर मुझे इकट्ठा चाहिए, इसको करेंगे इसको क्या होगा यहाँ पे वन आ जाएगा, और टू को करेंगे वन बाई टू वन आएगा माइनस वन कट देगा, तो वन बाई टू इंटू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर दिस इज योर आंसर, ये आ गया कॉस टू ए का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ऐसा करना है, क्वेश्चन नंबर पाँच देखो, पाँच का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्रूव दैट साइन टू एक्स क्या होता है साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कोस टू एक्स इज इक्वल टू क्या है टेन एक्स, ये प्रूव करना है, इसको और इसको प्रूव करना है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे टेकिंग लेफ्ट साइड, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखो, यहाँ पर 2x है यहाँ पर एंगल x है, मतलब हाफ एंगल हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स क्या लगेगा दोनों में हाफ एंगल फॉर्म लगेगा, तो सिद्धम सट सवाल है साइन 2a का एक फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन 2a का फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने आपको, ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला भी जरा जरा, साइन 2a क्या होता है बेटा 2 साइन a cos a, क्या लिखेंगे 2 साइन a cos a, मतलब इस एंगल का हाफ एंगल अपॉन वन प्लस कोस टू ए, यार क्या होता है टू कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, वन प्लस कोस टू ए का फॉर्मूला, तो वन प्लस कोस टू एक्स क्या होगा टू कोस स्क्वायर और इसका हाफ क्या होगा एक्स, फॉर्मूला लगा दे दोनों के दोनों, एक कोस से कोस कट देगा क्या होगा साइन बटे कोस क्या होगा टेन एक्स से बचेगा, दिस योर राइट आंसर, ठीक है, साइन टू एक्स का लगाया फॉर्मूला, वन प्लस कोस का लगाया फॉर्मूला, कट पिटा का ये आ गया, कितना आसान है, आगे देखो ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन वन प्लस कोस टू एक्स, इसको प्रूव करना है टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल,
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड लेंगे, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है इसमें, वन माइनस कॉस टू ए वन प्लस कॉस टू ए का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। ये लिखा रहा है अलग से, देखो वन माइनस कॉस टू क्या होगा, टू साइन स्क्वायर और इसका हाफ एंगल, वन प्लस कॉस टू क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर और इसका हाफ एंगल, ठीक है। तो ये लगा फॉर्मूला, तो वन माइनस कॉस क्या होगा, टू साइन स्क्वायर और इसका हाफ क्या होगा, एक्स, टू एक्स का आधा एक्स, वन प्लस कॉस क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर और इसका आधा एक्स, कट देगा क्या होगा, यहाँ बताओ टेन स्क्वायर एक्स आएगा, क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स, सिंपल है ना। सेम अगला भी ऐसा ही है, ये आप खुद करोगे, थर्ड पार्ट देखो, चलो बता देता हूँ, वन प्लस कोस एक्स और वन माइनस कोस एक्स, इसको सॉल्व करो, करें इसमें वो लगेगा फॉर्मूला वन प्लस कोस और वन माइनस कोस वाला, तो वन प्लस कोस क्या होगा, टू कोस स्क्वायर और यहाँ जो एंगल उसका आधा एक्स का आधा एक्स बाय टू, वन माइनस कोस क्या होगा, टू साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, ठीक है, टू से टू कट देगा, क्या हो गया कोट स्क्वायर एक्स बाय टू का रूट, फिर क्या हो गया यहाँ पे कोट एक्स बाय टू तो बचेगा ना, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और जो फोर्थ पार्ट देखो, पाँचवें का फोर्थ, वन प्लस साइन टू एक्स और वन माइनस साइन टू एक्स, ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, प्रूफ में देखो क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड ले लो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान से देखना, अभी इसमें पीछे कंसेप्ट यूज़ होगा, अगर आपको पीछे कंसेप्ट याद है तो कर लोगे, वरना दिक्कत आएगी। देखो वन प्लस साइन टू एक्स आ रहा है ना, वन प्लस साइन का तो फॉर्मूला नहीं होता, किसका बनता है, वन प्लस कोस और वन माइनस कोस के बनते हैं, देखो यहाँ पे वन माइनस कोस और वन प्लस कोस के फॉर्मूले बन रहे हैं, वन प्लस साइन और वन माइनस साइन के फॉर्मूले नहीं बन रहे। तो क्या करेंगे, अगर हम इस साइन को कोस में बदल दें तो वन प्लस कोस और वन माइनस कोस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको चेंज करना था साइन को कोस में, कैसे चेंज करते हैं आता मैं, थर्ड एक्स फोर्थ एक्स पढ़ी हमने, तो साइन को मैं कोस लिख रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, एंगल को पाई बाय टू में घटा देंगे, इस एंगल को पाई बाय टू में घटा दोगे तो क्या होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, ऐसे नीचे वाला है, इसको साइन को कोस में बदलेंगे तो क्या होगा, पाई बाय टू में से टू एक्स एंगल घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, वन प्लस कोस क्या होगा, टू कोस स्क्वायर और इस एंगल का हाफ कर देंगे, एंगल का पाई बाई फोर, इसका हाफ एक्स, इसमें लगाओ वन माइनस कोस का क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन स्क्वायर और जो भी एंगल इसका हाफ, हाफ हाफ मतलब इसका आधा कर देंगे, इसका हाफ क्या होगा, पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर और टू एक्स का आधा एक्स, कट देगा ये, क्या आंसर है बताओ, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर क्या होगा, कोट स्क्वायर ना, कोस बटे साइन कोट हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर ये आया पाई बाई फोर माइनस एक्स आ गया। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, टेंथ में आंसर चाहिए, यहाँ पे कोट आ गया, तो कोई बात नहीं, क्या करोगे, इस टेन को फिर कोट में चेंज कर लेंगे, टेन को कोट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, जो एंगल है उसको पाई बाय टू में घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपने क्या चीज़ सीखी है, टेन को कोट में, कोट को टेन में, साइन को कोस में, कोस को साइन में, सेकेंड को कोसेकेंड में, कोसेकेंड को सेकेंड में चेंज करना हो तो एंगल को पाई बाय टू में से घटा देंगे, ठीक है, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर प्लस एक्स, ठीक है बेटा, अरे ये माइनस रे प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, पाई बाय टू में गया पाई बाय फोर, क्या बचेगा, पाई बाय फोर तो बचेगा प्लस एक्स तो बचेगा, दिस इज योर राइट आंसर, ये सब सिंपल है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंप्लीट हो गया, फिफ्थ के चारों पार्ट मैंने करा दिए हैं, ये एक्सरसाइज मैं पूरी खुद करा दूंगा तुम्हें, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी टफ लगे आपको, लेकिन बाद में दोबारा रिवीजन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लो, कोई चीज़ मुश्किल नहीं, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, फोर में जरूर याद रखना है भाई। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये दे रखा है हमें, और हमने क्या प्रूव करना है, टेन एक्स के इक्वल प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल दिखाना है, टू प्रूव,
तो कर दे स्टार्ट। देखो कैसे करोगे, देखो भाई अपन क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट साइड साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स अपन वन प्लस कोस एक्स प्लस कोस टू एक्स, ये है अपने पास है ना। तो कर दे स्टार्ट, कर दो। देखो देखो भाई ये तो ऐसी चीज़, इसमें लगाओ ना साइन टू ए वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला देखो ढंग से देख लेना अपने आप। साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कोस ए, पहला फॉर्मूला। तो साइन टू एक्स क्या होगा, टू साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे जो भी एंगल उसका हाफ एंगल लगेगा, ठीक है समझ में आ गया ना। इसके जगह ये लिखा है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोस एक्स मैं पहले लिख लेता हूँ, पर क्या बचेगा वन प्लस कोस बचेगा, वन प्लस कोस टू ए, ये होगा। क्या करें मैंने इसको अलग लिख दिया और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा ऊपर क्या कॉमन है, बोलो भाई साइन एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा वन वन, यहाँ क्या बचेगा टू कोस एक्स बचेगा। लो अच्छा ये देखो कोस एक्स, वन प्लस कोस टू एक्स बनेगा फॉर्मूला, वन प्लस कोस टू ए वाला, याद है वन प्लस कोस टू ए क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर और एंगल का हाफ। देखो वन प्लस कोस टू क्या होगा, टू कोस स्क्वेयर और जो भी है उसका हाफ एंगल, है ना। तो वन प्लस कोस टू एक्स क्या होगा, टू कोस स्क्वेयर और जो भी एंगल उसका हाफ, टू एक्स का हाफ एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर तो साइन एक्स था, यहाँ पे अंदर क्या था वन प्लस कोस टू एक्स, नीचे देखो कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या होगा वन प्लस टू कोस एक्स बचेगा ना, कट देगा क्या होगा, यहाँ बताओ टेन एक्स तो बचेगा, साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होगा टेन एक्स, दिस इज योर राइट हैंड साइड, कितना आसान है, ठीक है। ये हो गया आपका सिक्स का, कौन सा पार्ट था, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड आप खुद कर लेना, सेकेंड सेम ऐसा ही है, ठीक है सेम टू सेम ऐसा ही है। चलो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट लेफ्ट साइड लेके कर रहा हूँ, अपने आप राइट साइड आ जाएगा। देखो वन प्लस वन माइनस कोस को इकट्ठा कर देंगे और फिर साइन टू एक्स अलग कर देंगे, इसमें वन प्लस कोस को इकट्ठा लिख देंगे, क्या होगा साइन टू एक्स, ठीक है। देखो भाई वन माइनस कोस क्या होगा, टू साइन स्क्वेयर और एंगल का हाफ, टू एक्स का आधा एक्स, साइन टू एक्स क्या होगा, टू साइन एक्स और कोस एक्स, एंगल का हाफ कर दिया। वन प्लस कोस क्या होगा, टू कोस स्क्वेयर और एंगल का हाफ, और साइन टू एक्स क्या होगा, टू साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है कॉमन ले लो ना इन दोनों में से, टू साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बचेगा, यहाँ से क्या बताओ टू कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या होगा बताओ, कट देगा ये क्या होगा, यहाँ बताओ टेन एक्स बचेगा, लो क्या आएगा टेन एक्स, दिस योर राइट साइड, ठीक है कोई दिक्कत, ऐसे कर लो। अब देखो ढंग से थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस आपको, ठीक है इसको सिंपलीफाई करना है। करें स्टार्ट, टू साइन एक्स तो ही हो पाएगा और माइनस साइन टू एक्स का क्या होगा फार्मूला, टू साइन एक्स को हो सकता है, याद है पहला फार्मूला, वेरी फर्स्ट फार्मूला, ठीक है कोई दिक्कत। साइन टू एक्स क्या होगा, टू साइन एक्स कोस एक्स, इस एंगल का हाफ कर देंगे। अच्छा नहीं तो देखो टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स क्या होगा, टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन टू ए वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल लगेगा, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, टू साइन एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा वन माइनस कोस एक्स बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, टू साइन एक्स कॉमन है, तो क्या होगा वन प्लस कोस एक्स, ठीक है कट देगा बेटा। वन माइनस कोस क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर और एंगल का हाफ कर देंगे, वन प्लस कोस क्या होता है, टू कोस स्क्वेयर और एंगल का हाफ कर देंगे, ठीक है टू से टू कट जाएगा, क्या बचे यहाँ पे टेन स्क्वेयर एक्सपर्ट, ये आ गया अपना सिक्स का थर्ड पार्ट।
अब आ जाओ सिक्स का फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। इसको प्रूव करना टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये अप्रूव करना। चलो इसमें देखो तीन पार्ट करने, तीनों बता देता हूँ। एक तो हमने ये प्रूव करना है, एक क्या प्रूव करना है टेन एक्स माइनस सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, ये प्रूव करना है। इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है, तीनों के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कर देंगे, पहले मैं ले रहा हूँ, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वन माइनस साइन और वन प्लस साइन के फॉर्मूले नहीं होते, किसके होते हैं, वन माइनस कोस और वन प्लस कोस के होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस साइन को कोस में चेंज कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को पाई बाई टू में घटाना पड़ेगा, तो साइन की जगह कोस लिख देंगे। साइन को लिख रहा हूँ मैं कोस, तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाई टू में से घटा देंगे, एक्स को पाई बाई टू में से घटा देंगे। अब बताओ वन माइनस कोस क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर और इस एंगल का हाफ, पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर, एक्स का आधा एक्स बाई टू, सही है। वन प्लस कोस क्या होगा, टू कोस स्क्वेयर और इस एंगल का हाफ, ठीक है बेटा, कट देगा। साइन स्क्वेयर अपन कोस स्क्वेयर क्या होगा, टेंजेंट स्क्वेयर, टेंजेंट स्क्वेयर का रूट क्या होगा, टेन तो आएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो गया, हो गया, हो गया प्रूव। लो यानी ये और ये प्रूव कर दिया, इससे ये प्रूव और करना हमें, तो इसको फिर ले लेंगे हम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो इसे क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन कर दिया, तो देखो क्या होगा, इसका साइन चेंज करके अपने त्रिकोण बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका स्क्वायर लेगा, स्क्वायर और रूट कट देगा, क्या बताएं, यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स बचेगा। यह क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कट जाएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर रूट। चलो कोई बात नहीं, अपन ये कर लेंगे, बस इसका तो स्क्वायर, और यह क्या होगा, वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस कोस एक्स, क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर तो ये बच गया, और नीचे क्या बताओ, नीचे कोस एक्स, हर रूट ले लिया। वन अपॉन कोस क्या होगा, सेकेंड एक्स, साइन बटे कोस क्या होगा, टेन एक्स, अलग अलग कर देंगे। ये आपका हो गया चैटे का फोर्थ पार्ट। तो सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने करना है। अब देखो सिक्स का फिफ्थ पार्ट देखिए, ठीक है। सिक्स का फिफ्थ पार्ट इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मतलब आप यहाँ तक है ना कर लो, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको मिलेगा पेज नंबर 83, ठीक है। अगला वीडियो पेज नंबर 83 पे मिलेगा, और पार्ट नंबर कौन सा, तो कौन सा पार्ट था ये, 30 देख लेता हूँ, 31 क्योंकि पार्ट में अगर कोई गड़बड़ होगी ना, फिर आप मेरे से मैसेज करोगे कि सर ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, इसलिए मैं फिर चेक करके बता देता हूँ तुम्हें, ताकि गलती ना हो। 78 पेज पे 39 78 पेज आ गया, 78 के बाद 80 हो गया, फिर 80 हो गया है ना, अच्छा जी 80 हो गया, उसके बाद में क्या होगा, और कहाँ है पेज, सर 79 80 81 82 नंबर ये रहा, 83, ठीक है। तो 82 का नहीं है, और 81 के ऊपर है पार्ट, 81 में कर दिया था, 80 के ऊपर देखो, हाँ पार्ट 32वां है, ठीक है। ये क्या होगा, पार्ट नंबर 32वां, 81 नंबर पेज पे, ठीक है, 81 नंबर पेज पे, और पार्ट 31 में चल रहा है, ठीक है। अब मिलेगा आपको पार्ट नंबर 32, ठीक है, यह आएगा पार्ट नंबर 32, ठीक है।
और एक्सरसाइज नंबर चले गए आपकी कौन सी 3.9। तो अगला जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आप इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है।